नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। लोहरदगा में हुए रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा के बाद लोहरदगा के एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने स्लीपर सेल के द्वारा दंगा भड़काने की बात कही गई थी। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा पहुंचे और रांची जोन के डीआईजी अनीश गुप्ता, जिला प्रशासन के डीसी एसपी डीडीसी के साथ बंद कमरे में बैठक की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल के बारे में किसने क्या कहा, स्लीपर सेल है भी कि नहीं, यह देखने वाली बात है, यह जांच का विषय है। हाँ, अगर इस तरह की कोई तत्व होंगे तो उन पर जांच होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। नेट लोहरदगा के लोगों को कब मिलेगा, इंटरनेट की सेवा कब बहाल होगी? हम थोड़ा पीछे देखिए, 10 अप्रैल को जो घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, कुछ शरारती तत्वों ने उसको अंजाम दिया था, उनको चिन्हित किया जा रहा है, बहुत चिन्हित भी हो गए हैं, पकड़े भी जाएंगे, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी उनको। लेकिन जो इस घटना का जो असर पड़ा, जिले पर पूरा पड़ा है, कुछ कुछ घटनाएं नहीं हुई हैं लेकिन लोगों में भय है, भय नहीं भी कहें तो एक दूसरे का विश्वास की भावना हो जाती है। ऐसा समय ही होता है, ये स्पेशली लोहरदगा के लिए नहीं है, मतलब हमारा तो अनुभव है बिहार के समय से, इस समय कुछ कुछ अविश्वास होता है एक दूसरे के प्रति। तो अभी डिप्रेशन जो चल रहा है वो चलेगा, अभी पदाधिकारियों से हम बात किए हैं, चलेगा, वो सिचुएशन सुधरा हुआ है, खास नहीं है, छोटी मोटी एक दूसरे पर बातें होती हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन वो नॉर्मल हो चुका है, हम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिचुएशन किसी सूरत से नहीं बिगड़ पाएगी। सरकार और लोहरदगा प्रशासन, डीआईजी साहब कैंप कर रहे हैं, सभी पदाधिकारी सजग हैं, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी भविष्य में, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, चिन्हित किए जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको, चिन्हित किए जा रहे हैं लोग, दिल्ली में, गुस्से में, अवता बगीचा में जो लोग थे जिन्होंने अगजनी को अंजाम दिया, वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो जाएगी, क्या कह जाएगी, और सख्त कार्रवाई कहा जा रहा है। इसमें कुछ स्लीपर सेल वाले राष्ट्र विरोधी तो वो है, देखिए वो जांच का विषय है, अंदाज से बोलना संभव नहीं है, जाँच का विषय है। अगर ऐसा है तो डीसी एसपी और डीआई साहब भी यहाँ जाँच करेंगे, अगर है इस तरह की बात तो पर्दाफाश होना चाहिए, आने वाले समय के लिए वो बेहतर होगा, कैसे तत्वों का पर्दाफाश हो, लेकिन अभी कुछ कहना संभव नहीं है। पेपर में मैंने भी पढ़ा, पूछा भी, तो बोला कि इस तरह की बात अभी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि कुछ बाहर के लोग आते जाते पाए गए अतीत पिछले, अभी नहीं पहले, तो ये इस पर जांच होगी, जांच करेंगे, प्रशासन करेगा। सर, स्लीपर सेल पिछले 6 महीने से यहाँ रन कर रहा था और ऐसे में सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिली, या दूसरी बात है कि खुफिया तंत्र फेल हो गए, क्या कहेंगे इस पर? खुफिया तंत्र फेल नहीं हुआ, और ये आपको किसने बताया कि 6 महीने से एक्टिव सेल स्लीपर सेल, पहले स्लीपर सेल है भी कि नहीं यही इसका पता नहीं, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों को सब, ये शब्द का प्रयोग किससे किया गया, किसने कराया, ये भी नहीं जानते, लेकिन अगर कोई भी तत्व तो होगा इस तरह का दुराग्रही तत्व तो, जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा होगा, तो सब आ जाएंगे नज़र में, ये नज़र में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कुछ दिन को भी, और उनको सामने लाया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी, रोका भी जाएगा। सर, नेट के लिए जो नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, है ना, हम इतने कहेंगे कि हे ईश्वर, उनको माफ़ करना,
रघुवर जी को, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं। हो गया ना? आप विश्वास। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।